महाराष्ट्र के बदलापुर की बात यहां पर की गई कि महाराष्ट्र के बदलापुर रेप कांड में आरोपित अक्षय के परिवार ने अब सवाल उठाए हैं, पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए हैं। अक्षय को हथियार चलाना नहीं आता था ये कह रहे हैं। अक्षय को तो हथियार चलाने आते नहीं थे, फिर वो कैसे पिस्टल छीन सकता है। परिवार ने कहा कि अक्षय की हत्या की गई है। अक्षय को हथियार चलाना नहीं आता था तो वो कैसे पिस्टल छीन सकता है, ये परिजन कह रहे हैं। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। हमको कुछ नहीं शेक है उसके पे, वो बच्चे को उन लोग मार दिए ले, बस हमको यही है, यही बोलने का। लेकिन पुलिस तो ये कह रही है कि पहली फायरिंग उसने नहीं किया, नहीं बच्चे ये झूठ बोल रहे हैं उन लोग, ये झूठ बोल रहे हैं। अभी बच्चा मेरे साथ में हंस खेल के बच्चा हंसते गया अंदर। हाँ, बच्चे ने बोला मेरे को पैसा भेजो करके, सब लोग खाता है अंदर और मेरे को नहीं मिलता है करके। मैं बोला बाबा पैसा भेजता है देखता नहीं। तो बोला मेरे को भी कुछ काम नहीं, कुछ नहीं बाबा, ऐसे ही मैं। तो बोला मीडिया वाले देखेगा, बाहर वाले देखेगा, मार देगा पुकट का, किधर काम पे नहीं लगाएगा हम लोग को। उसके लिए अभी पैसा नहीं, देखते तेरे को 400-500 रूपए किधर से भी तेरे को भेजता है। उनकी आप लोग को इस बात की जानकारी थी कि उन्हें आज यहाँ पर लाया जाने वाला है? मैं न्यूज में देखा बच्चे को फायरिंग किया करके, तभी मालूम गया हम लोग को कुछ मालूम नहीं, पुलिस वाला बताया नहीं हम लोग को। बच्चे का मेरे को बच्चे का मुंह देखने का, मेरा बच्चे का मुंह देखने। आप कह रही कि आपका बेटा बेगुनाह, लेकिन पुलिस कह रही कि उसने फायरिंग की, दो पुलिस वाले घायल है। नहीं नहीं उन लोग खुद किया रहेगा, फिर उन लोग का क्यों छाती बीती में नहीं फाड़ दिया गोली, उन लोग का छाती में क्यों नहीं लगा, खाली हाथ में लग गया, उन लोग जिंदा रह गए और मेरा बच्चा को मार दिया डायरेक्ट। क्या होता है ये हाथ निकल जाते हैं, ये पुलिस को मालूम नहीं क्या, सर्कल को मालूम रहेगा ना। मैं बोलता परेशान से और पुलिस पैसा काके बच्चों को मार रहा है। सर अभी साथ रहेगा तो नहीं।